कुछ टाइम पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था कलंक। उसको देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ था कि इसके जैसी खतरनाक मूवी शायद ही ज़िंदगी में कोई दूसरी बन पाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद जहाँ पे ज़्यादा होती है, दिल टूटने का खतरा वहाँ अपने आप बढ़ जाता है। बस तैयार हो जाइए, आपके दिल के साथ साथ कलंक का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते एक ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई है जिसको देखना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ साहो। देखो, फिल्म देखने के बाद आपको एहसास होगा, स्कूल में जो साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो हकीकत में एक धोखा है। किसने बोला कि इंसान उड़ नहीं सकते? साहू को देखने के बाद आप भी कभी बालकनी से कूद के देखना, क्या पता अगली बार आपके ऊपर कोई भारी भरकम फिल्म बन जाए। और अगर आप जिंदा बच गए तो आपकी फिल्म का रिव्यू मैं अपने चैनल पर जरूर डाल दूंगी। मदद साहू में लॉजिक ढूंढ के निकालना, यानी मार्स पर जाके पानी ढूंढना। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां ऑस्ट्रिया जैसे देश में टीवी पे हिंदी न्यूज देखने को मिलती है। एक दूसरे सीन में प्रभास हवा में पानी की तरह तैर रहे हैं। चलो, स्काई डाइविंग के बारे में तो सुना था, लेकिन ये आसमान वाली स्विमिंग देखकर तो जिंदगी सफल हो गई। फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो ऐसा लगा था कि साहू एक ऐसी फिल्म होगी जो इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएगी। और ये बात सच भी है, क्योंकि 350 करोड़ की बर्बादी करना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। इतनी हिम्मत तो सिर्फ हमारे इंडियन सिनेमा में ही है, जो करोड़ों खर्च करने के बाद भी एक ऐसी फिल्म बना देते हैं जो सबसे बकवास फिल्म की रेस में गोल्ड मेडल जीत सकती है। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के बाद प्रभास से फैंस की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, लेकिन साहू आपके सारे अच्छे अच्छे सपनों पे पानी फेर देगी। हो सकता है अगली बार आप प्रभास की फिल्में देखने से पहले दो बार सोचना शुरू कर देंगे। साहू एक ऐसे डरावने सपने की तरह है जिसको देखने के बाद आपको सोने से भी डर लगने लगेगा। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, जिसके अराउंड पूरी फिल्म को तैयार किया जाता है। लेकिन इस फिल्म में स्टोरी ढूंढना मतलब अपने दिमाग को सजा देना। इस फिल्म की शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां होता है, सब कुछ आपकी समझ से एकदम बाहर है। साहू को देखने के बाद ऐसा फील होता है जैसे फिल्म के मेकर्स ने हॉलीवुड की काफी सारी फिल्में देखी हैं और उनमें से कुछ दमदार एक्शन सीन्स उठा के उनमें प्रभास को डाल दिया गया है। उन सीन्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ बेमतलब के डायलॉग्स लिख दिए गए हैं और तीन चार बकवास गाने घुसा दिए गए हैं। बस बन गई फिल्म। फिल्म में दो कहानियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। एक कहानी कुछ गैंगस्टर्स के बारे में है जिनके बीच में पावर वाला गेम चल रहा है। ये जो अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह होते हैं जिनके बारे में टीवी पे न्यूज आती रहती है, बस वही लोगों की आपसी दुश्मनी को फिल्म में दिखाया गया है। और दूसरी कहानी मुंबई के एक चोर के बारे में है जो पुलिस को बार बार चूना लगाता है और पुलिस एक चोर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ये चोर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ताकत से कम और दिमाग से ज्यादा खेलता है। जैसे धूम जैसी फिल्मों में अतरंगी चोर दिखाए जाते हैं, बस उसी टाइप का गेम इस वाली कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में अंडरवर्ल्ड डॉन है, चालाक चोर है और उसके पीछे मुंबई पुलिस भी है, तो यह कहानी तो सुनने में मजेदार लगती है। लेकिन अगर आपने रेस 3 नाम की एक फिल्म देखी होगी तो आप समझ लीजिए साहू उस फिल्म को टक्कर देने की पूरी ताकत रखती है। मतलब अगर रेस 3 राम है तो साहू उसका छोटा भाई श्याम है। इसके ऊपर से फिल्म में एक रोमांस वाला एंगल भी डाला गया है जिसको देखने के बाद आपका प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। मतलब ठीक है, प्यार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ 2-3 डायलॉग बोलने से अगर प्यार हो जाता है तो भैया आप अपना चेकअप करवाइए, क्योंकि दिल वाले मामले इतने आसान थोड़ी होते हैं कि मैंने आपका नाम पूछा और आपने मेरा और हमने शादी कर ली। कहां से आते हैं ऐसे लोग? फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स डाले गए हैं जिनको गिनने के लिए आपके हाथ और पैर दोनों की उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक्टर्स की गिनती खत्म नहीं होगी। नहीं मतलब ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो उनका इस्तेमाल किसी सही जगह कर लो। एक ही फिल्म में जब आप 20-30 एक्टर्स डाल दोगे तो बेचारा कैमरा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा फिल्म में है या फिर क्रू मेंबर है। मुझे पर्सनली फिल्म में सिर्फ एक चीज अच्छी लगी है, इसमें डाले गए पावरफुल एक्शन सीन्स जो बाकी इंडियन मूवीज से काफी बेहतर हैं। जिस तरीके से इन सीन्स को डायरेक्ट किया गया है उनमें से थोड़ी थोड़ी हॉलीवुड वाली फीलिंग आने लगती है। कहीं कहीं पर मैडमैक्स जैसे एक दो सीन भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, प्रभास एक कमाल के एक्टर हैं, लेकिन साहू में वो अपने रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। फिर चाहे वो उनके कमजोर एक्सप्रेशन हो या फिर मीनिंगलेस डायलॉग्स, प्रभास आपको इम्प्रेस करने में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। जिस सीन में उनकी आवाज़ एकदम दमदार लगनी चाहिए उसमें वो पूरी तरह फीके पड़ जाते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग हो या फिर रोमांटिक सीन्स, प्रभास के एक्सप्रेशन बदलते ही नहीं है। श्रद्धा कपूर का रोल फिल्म में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कुछ जगह पे तो वो आपको इरिटेट करने लग जाती हैं। उनको ज़बरदस्ती के गानों और बेमतलब की प्यार वाली बातों में फंसा दिया जाता है, जिनको सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे सबसे बड़ी शिकायत फिल्म के मेकर्स से है, जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट में जैके श्रॉफ, चंकी पांडे और मंदिरा बेदी जैसे एक्टर्स को कास्ट तो किया है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम एकदम कम है। पूरा फोकस प्रभास के ऊपर डाला गया है, जिसके चक्कर में फिल्म से जुड़े बाकी टैलेंटेड लोग एकदम साइडलाइन हो जाते हैं। अगर आपने इतने कमाल के एक्टर्स फिल्म में डाले हैं तो उनका इस्तेमाल तो करिए। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन, जिसमें भर भर के ट्विस्ट डाले गए हैं, जिसमें फंसकर ऑडियंस बेचारी दिमागी रूप से बीमार हो जाती है। ट्विस्ट डालना एक अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती कहानी को स्पेशल बनाने के चक्कर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप फिल्म पर गिव अप मार देते हैं। इतना दिमाग तो हम पढ़ाई में नहीं लगाते जितना फिल्म के ट्विस्ट में लगाना पड़ता है।
हाँ, लेकिन फिल्म की शूटिंग लोकेशंस कमाल की हैं। कुछ सेट्स को देखने के बाद अंदर से खुशी सी महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल फिल्म के घटिया VFX की वजह से आपकी खुशियों पे पानी फिर जाता है। फिल्म में डाले गए स्पेशल इफेक्ट्स इतने कमजोर हैं कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इनको बनाने के लिए 2 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन फिल्म के सबसे बड़े विलन है इसमें डाले गए मीनिंगलेस गाने, जिनको ना तो सुनने में मजा आता है और देखने में भी कुछ खास नहीं है। कम शब्दों में बोलूं तो मेरे लिए साहू 2019 की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। आसान शब्दों में बोलूं तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। अगर आपको जिंदगी से काफी ज्यादा प्यार है तो साहू से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये फिल्म आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पे जरा सा भी शक है तो फिल्म जरूर देखो। उसके बाद मिलती हूँ आपसे किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि साहू को देखने के बाद आपको दिमाग के इलाज की जरूरत जरूर पड़ेगी। मेरी तरफ से साहू को 5 में से 2 स्टार्स, 1 स्टार फिल्म के दमदार एक्शन सीन्स के लिए जो आपने किसी इंडियन फिल्म में इससे पहले नहीं देखे होंगे, और 1 स्टार चंकी पांडे की कमाल की एक्टिंग के लिए जो आपको काफी इम्प्रेस करने वाले हैं। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा फिल्म में डाले गए एकदम बकवास सॉन्ग्स के लिए जो फिल्म को कमजोर कर देते हैं, 1 स्टार प्रभास की पुअर एक्टिंग के लिए, और 1 स्टार फिल्म की कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन के लिए जो आपके सिर में दर्द कर सकती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।